हेलो फ्रेंड्स, तो यार सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मॉर्बियस कौन से यूनिवर्स से बिलोंग करता है, क्योंकि मॉर्बियस के ऑफिशियल ट्रेलर को देखने के बाद ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सोनी यहाँ कौन सी सस्ती मस्ती कर रहा है, क्योंकि यहाँ मॉर्बियस के ट्रेलर में सोनी ने लिटरली तीनों ही अलग अलग स्पाइडरमैन का रेफरेंस दे दिया है। अब यार, या तो सोनी ने सिर्फ मॉर्बियस की हाइप बढ़ाने के लिए इन ईस्टर एग्स को यूज किया है, या फिर ये स्पाइडर वर्स की एक बहुत ही बड़ी शुरुआत है जिसे शायद सोनी ने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था। लेकिन यार, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर सोनी का प्रोटेक्शन सिस्टम इतना कमजोर क्यों हुआ पड़ा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो सोनी का कोई भी सीक्रेट ऑडियंस से छुप नहीं पाया है। स्पाइडरमैन नो वे होम की बात करें तो लोगों को एक से डेढ़ साल पहले ही ये पता चल चुका था कि ये एक स्पाइडरवर्स मूवी होने वाली है और टोबी और एंड्रू इस मूवी में होने वाले हैं। फिर जेमी फॉक्स और अल्फ्रेड मोलिना ने पब्लिकली ये बता भी दिया कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में होने वाले हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे प्लॉट लीक्स भी आए जो लगभग ट्रेलर में कंफर्म भी हो गए, और आखिर में तो पूरा ट्रेलर ही लीक हो गया। वाह। फिर उसके बाद हाल में ही स्पाइडरमैन का एक और ट्रेलर लीक हुआ जिसमें हमें कुछ और नए सीन्स देखने को मिले, और फिर मूवी के स्टिल इमेजेस भी टाइम से पहले ही लीक हो गए, और फिर वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी हमें मूवी से पहले ही पता लग गया कि उसमें कुछ ना कुछ स्पाइडरमैन से रिलेटेड दिखने वाला है। एंड फाइनली मॉर्बियस का ट्रेलर भी रिलीज के एक दिन पहले ही लीक हो गया। तो यार, यहाँ कुछ समझ आया आप लोगों को? यार, एक बार कुछ लीक हो जाए तो समझ आता है, दो बार भी लीक हो जाए तो भी समझ आता है, लेकिन अगर यही चीजें बार बार होने लगे तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है गुरु। ऐसा भी हो सकता है कि सोनी ऐसा जानबूझकर कर रहा हो ताकि ऑडियंस के बीच में हाइप बढ़ सके, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो वही सारी चीजें लीक हो रही हैं जिसमें स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो मॉर्बियस का ट्रेलर हो, वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन हो, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टिल इमेजेस हो। सबका कनेक्शन स्पाइडरमैन से ही है, और इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर सोनी ये सब जानबूझकर कर रहा है तब तो यार ठीक है, लेकिन अगर सच में ये चीजें लीक हो रही हैं तो सोनी बच्चा तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम चाइनीज मोबाइल से भी ज्यादा कमजोर है। नो वे होम का सेकंड ट्रेलर तो तुमसे रिलीज नहीं किया जाता और सिक्योरिटी सिस्टम तुम्हारी टाइट है नहीं, तो यार जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे तुम लोग? वेल गाइज, आई एम क्वाइट श्योर कि सोनी ये सब जानबूझकर ही कर रहा है, अनलेस कि नो वे होम के रिलीज से पहले ही पूरी पिक्चर ही ऑनलाइन लीक हो जाए, क्योंकि यार तभी मैं ये मानूंगा कि सोनी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर है। खैर दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर मॉर्बियस कौन से यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं मॉर्बियस के ट्रेलर को। तो यहाँ हमें टोबी मैग्वायर की पिक्चर दीवार पे देखने को मिली जहाँ उसे मर्डरर बताया गया है, और यार ये चीजें उसके साथ कोई पहली बार नहीं हो रही है। टोबी मैग्वायर के तीनों ही मूवीज में उसे हीरो से विलेन और फिर विलेन से दोबारा हीरो बनते हुए दिखाया गया है। और यार, एक इम्पोर्टेंट बात जो आप सभी का जानना जरूरी है वो ये है कि जो टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 आने वाली थी, जिसकी शूटिंग तक स्टार्ट होने के बाद उस मूवी को कैंसिल किया गया था, उसमें क्या आपको पता है कि विलेंस कौन कौन से होने वाले थे? वल्चर और मिस्टीरियो। और उसके अलावा साइड से ब्लैक कैट भी होने वाली थी, जिसकी चुम्मी लेकर पीटर एमजे को धोखा देने वाला था। पता थी आपको ये बात? चलो, अब पता लग गई ना। तो यार, अगर अब हम टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स और मॉर्बियस के यूनिवर्स में सिमिलैरिटीज देखें तो यहाँ हमें मिल जाती अपनी ब्लैक कैट, डेली ब्यूगल का लोगो, सैम राइमी के यूनिवर्स का वल्चर जो कि एक वेरिएंट हो सकता है एमसीयू के यूनिवर्स का, और अपने टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन। लेकिन यार, जो इस थियरी को सही साबित होने नहीं देती है वो है राइनो का रेफरेंस और ऑस्कॉर्प के लोगो का रेफरेंस। अब यहाँ अगर हम राइनो को भी टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स का ही मान ले, मतलब कि अगर उसे भी एक वेरिएंट ही समझ ले, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो सकती है, क्योंकि यार ऑस्कॉर्प का लोगो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ऑस्कॉर्प का असली मालिक हैरी ऑस्बॉर्न स्पाइडरमैन 3 में मर गया था, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऑस्कॉर्प पे किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया हो और उसका एक नया लोगो बनवाया हो, और जो लास्ट में वेनम का रेफरेंस दिया गया था उसे भी हम टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स से थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, क्योंकि वेनम की सोलो मूवीज के अलावा अगर वेनम हमें कहीं दिखा है तो वो टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स में दिखा है, और स्पाइडरमैन 3 में शहर के लोगों को वेनम के बारे में पता भी लग चुका था। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीजें जो मॉर्बियस को टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की। तो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से यहाँ हमें राइनो दिख जाता है, ब्लैक कैट का रेफरेंस दिख जाता है जो कि फेलिशिया हार्डी प्ले करने वाली थी, और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि ब्लैक कैट की भी एक सोलो मूवी आने वाली थी जो बाद में कैंसिल हो गई थी, और ब्लैक कैट मूवी के बाद वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में भी दिखने वाली थी। तो दोस्तों, ब्लैक कैट के अलावा हमें ऑस्कॉर्प का वही लोगो भी दिख जाता है जो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में हमने देखा था। एंड दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में भी मॉर्बियस के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की कहानी पूरी नहीं की गई थी। टोबी मैग्वायर की तो फिर भी कंप्लीट लगती है स्टोरी, लेकिन एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी कहीं से भी कंप्लीट नहीं लगती। तो यार, शायद ऐसा हो सकता है कि एंड्रू गारफील्ड की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए। अब यार, ऐसा होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच में ऐसा चाहता हूँ कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जरूर आए।
अब यार बात कर लेते हैं टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की, यानी कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स की। तो अब टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का रेफरेंस बस एक ही इंसान है और वो है वल्चर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ मेरी छोटी सी थियरी ये है कि शायद मूवी के एंडिंग में मॉर्बियस एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होकर आ जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वेनम आया था, और इसलिए ही हमें यहाँ वल्चर देखने को मिला, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रेफरेंस टॉम हॉलैंड का नहीं दिया गया है इस ट्रेलर में। अब यार मैंने कुछ वीडियोस भी देखी जहाँ कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये जो स्पाइडरमैन को मर्डरर दिखाया गया है वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, क्योंकि फार फ्रॉम होम में उसने मिस्टीरियो को मार दिया था। तो यार हाँ, ये बात एक हद तक सही है, लेकिन मैं इस थियरी को सही नहीं मानता, क्योंकि अगर ये मर्डरर वो टॉम हॉलैंड के लिए यूज किया गया होता तो यहाँ टॉम हॉलैंड की तस्वीर लगी होती, वो भी बिना मास्क के, बिकॉज वी ऑल नो दैट टॉम हॉलैंड की आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी है कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इस मूवी की जो टाइमलाइन होगी वो भी नो वे होम के बाद की ही होगी। और अभी तक जो कंफ्यूजन हमें हो रही है मॉर्बियस के ट्रेलर को लेकर, वो शायद स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल जो मुझे अभी तक लग रहा है वो ये है कि मॉर्बियस टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स से ही होना चाहिए। एटलीस्ट 70% डाउट तो मुझे इसी बात का है, बाकी 30% मुझे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का लग रहा है। एमसीयू के यूनिवर्स में फिल्म के आखिर में मॉर्बियस आ सकता है, लेकिन पूरी मूवी में या तो हम टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स को देखेंगे या फिर एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स को देखेंगे। एंड अगेन यही सारी चीजें हमें फिर से इस कंक्लूजन पे लाती है कि टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन नो वे होम में 100% होने वाले हैं। तो यार आई होप कि मैं जो समझाना चाहता था वो आप सबको समझ आ गया होगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।